नागपुर शहर के संविधान चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस ने शनिवार को आंदोलन किया, जहां कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त किए जाने की निंदा की। इस दौरान आंदोलन में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रमुख नेता शिवाजी राव मोघे ने अपने विचार भी व्यक्त किए। पूर्व मंत्री शिवाजी राव मोघे ने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर असंवैधानिक कार्य किया है। राहुल गांधी लोकसभा में अदानी का मुद्दा उठा रही हैं। अदानी और मोदी के रिश्तों को लेकर सवाल पूछ रहे थे। केंद्र सरकार ने सवालों से बचने के लिए सदस्यता रद्द कर दी। भारत जोड़ो यात्रा को भी कोरोना का हवाला देकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि अगर अभी लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में एक बार फिर से अंग्रेजों जैसा शासन देखने को मिलेगा। इस दौरान संविधान चौक पर आयोजित इस आंदोलन के दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे। आज का जो आंदोलन है हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारा एक सेक्शन जो है एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति, माइनॉरिटी और ओबीसी, जो सोशली जिसको बोलते हैं कि वो एक संगठन है। हमारे के राजू साहब उसके प्रमुख है, हमारे मार्गदर्शक है। उन्होंने पूरे देश में हर स्टेट में ये कार्यक्रम करने के लिए हमको आदेश दिया है। और वजह एक ही है कि राहुल जी गांधी जो इस देश में लोकशाही बचाना चाहते हैं, राहुल जी इस देश को प्यार बढ़ाना चाहते, नफरत ख़त्म करना चाहते, इसके खिलाफ में जो षड्यंत्र माननीय मोदी साहब ने और केंद्र शासन ने किया है वो उसको डिसमेंबर करने की कोशिश की है। बीजेपी वाले ने जानबूझकर वो हाउस में नहीं रहना चाहिए, लोगों की आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, ये जो षड्यंत्र किया है उसको डिसमेंबर किया। और इतना ही नहीं, उनको बेघर करने के लिए नोटिस भी दिया। ये क्रिमिनलपना है, ये क्रूरता है। तो इसके खिलाफ में ये आज का हमारा आंदोलन है।